चप्पल लेकर लोग बैठते हैं। वहां से बारिश शुरू हुई थी, जब हमें पता चला कि वहां पर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की गतिविधियां होती है, वहां शराब दी जाती है, वहां पर जो है अश्लील डांस किए जाते हैं, वहां से 15 जनवरी से आंदोलन शुरू हुआ। 27 जनवरी को हमने पूरी सारी जितनी भी हमारी सरकारें हैं उनको चिट्ठियां लिखी, जैसे ये बात चल रही थी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारी कार्रवाई क्या है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। 27 तारीख को हमारी ये मांग सकल जैन समाज की मांग है, जो तीर्थ कमेटी की मांग थी, वहां पर पंजीकरण क्यों नहीं होता, वहां पर बैरियर्स क्यों नहीं लगाए जाते, वहां स्कैनर्स क्यों नहीं है, वहां पर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, क्यों वहां पर पानी की बोतलें बिकती है, वहां पर सामग्री बिकती है, क्यों वहां निबंधना मार्ग पर अतिक्रमण हो चुका है, क्यों लोग वहां पर बाइक पर 10 बजे जाते हैं, आप 100-200 रुपए दीजिए बाइक से निकल जाइए। जब भी हम वहां पर परेशान, जब भी हम नाइट करते हैं तो बाइक जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। पवन गोदर जी बैठे हैं, काफी बल दिया आपने और काफी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, वीडियो आते हैं हमारे पास, क्योंकि ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष, किसी संगठन विशेष का नहीं है, ये सिद्ध जैन समाज का कार्य है, बात नहीं खत्म नहीं होती है। 17 मार्च को होली से पहले दिन ये गजट नोटिफिकेशन हमारे हाथ लगा, ये सरकार द्वारा एक साजिश के तहत जारी किया गया है, जिसके अंदर केवल 16 स्टोन क्रशर्स वालों की आपत्ति सुझाव है, और इसके अंदर ये लिखा जाता है कि 12 साल बनने की वो डायरेक्टर का एक बार चेहरों का तीर मारा जाता है, क्या आप स्वीकार है 19.33 किलोमीटर का वो पर्वत राज, जिसके अनाधिकार थे हमारे अनंत संत और किशनगर पहुंच गए, वो लिखते हैं कि एक बार माना जाता है, क्या आपको स्वीकार है, आज हमें भी लालच दिया गया, हमें भी लालच दिया गया कि वो पहाड़ का जो पावर पॉइंट से करता एरिया है वो आप ले लीजिए, क्यों ले लीजिए, हमें पूरा पर्वतराज रहने वाला है और हमेशा रहेगा, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस पर्वतराज पर किसी भी प्रकार की गैर राजनीतिक जगाना होता है, समाज को भी जगाना होता है, समाज को भी जगाना होता है। प्रथम प्रयास हमने किया, हम 6 अप्रैल को हमारे माननीय भूपेन्द्र यादव जी से मिले, जिसमें पवन गोदर जी और बहुत सारे हमारे भविष्य लोग साथ थे, उन्होंने पूछा कि आपत्ति क्या है, हमने कहा कि आपत्ति है, कह रहे हो तो तिरुमला में भी ऐसा है, मैंने कहा कि ऐसा है, हमारी ओपन टॉक्स है, हम यहां पर किसी भी प्रकार की परिये स्वीकार नहीं करेंगे, और ये गजट के अंदर जो आपको लिखा है ना, एक बार ये पूरा पर्वतराज जय होता है और माना जाता नहीं है, है हमेशा रहेगा, इसके अंदर सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं है, इसके अंदर बीच एक तीर्थों का उल्लेख नहीं है, हम अपनी प्रेमिश के अंदर बोल देते हैं कि शिखर जी हमारा है, लेकिन इस गजट के अंदर बहुत कुछ लिखा है, मैं उस विषय में बहुत बड़ी मुनिश्री ने भी काफी कहा, इसमें गैर भारतीय गतिविधियों की अनुमति देनी गई है, जैसा मुनिश्री ने बताया मछली पालन, मुर्गी पालन, ये तो बहुत एक बात है, वहां पर ड्रोन उड़ेंगे, वहां पर सड़कों का चौड़ीकरण होगा, रात को बीकन से लेंगे, और मैं आपको बता दूं झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट की 10 साल की पॉलिसी है उसके अंदर पर्यावरण पर्यटन के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, चुका है सरकार के पास, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपने तीर्थ के एक भाग शब्द को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में हमने 26 मार्च को पहली बार अंतर मंत्रालय में छोटा प्रयास किया, 29 मार्च को राज्यसभा के अंदर माननीय देवेंद्र रमन सिंह जी जो हमारे सांसद हैं प्रयागराज से, उन्होंने हमारे विषय को उठाया, सरकार तक बात पहुंच चुकी है, फिर हमने 6 जून को करने के अंदर प्रयास किया, लगभग 5 से 6 हजार संख्या के लोग वहां पर हमारे समाज के लोग पहुंचे, हमारे माननीय चक्रेश जी और स्वामी भूषण जी और उसकी टीम वहां पर थी, इसके बाद तो क्या आंदोलन, ये आंदोलन है और इसको जब तक जारी रखा जाएगा जब तक ये गजट नोटिफिकेशन बाहर वापस नहीं होता है। एक लाख के बातों को बताना चाहूंगा आपको, बात ही समाप्त नहीं हुई, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रांची की एक टीम डॉक्टर प्रशांत मिश्रा की टीम वहां पर कार्य कर रही है, जिसने ये प्रकाशित किया है कि वहां पर पत्थरों का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, क्या आपको स्वीकार है, बताइए क्या आपको स्वीकार है, नहीं है। हमारा 4 तारीख के लिए हमने प्रयास किया, स्टैंडों से मिली उस रामलीला मैदान के लिए जिससे हम अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ, अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, उस रामलीला मैदान करने परमिशन वो मिलने के अंदर, लेकिन 4 तारीख को क्योंकि दिल्ली के चुनाव घोषित हो गए, पीयूष गोयल पता नहीं क्या कारण थे कि 4 तारीख को ही वो रैली रखी गई, वो चुनाव
का वो सिर्फ मुझे नहीं पता। और कुदरती क्या हुआ कि इस वजह से जो संसद 23 नवंबर को शुरू होती है वो 7 दिसंबर को शुरू होने वाली है। तो हम 11 दिसंबर से रामलीला मैदान के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत पूज्य मुनि श्री रसायन पूजा करेंगे। और आपने हमें आशीर्वाद मिल गया है। इतना ही नहीं, अनेकों संत सभी परंपराओं के संत सभी समाज एक मंच पर होगा क्योंकि संसद चलती है। कोई आंदोलन अर्थ चाहे वो पूजा अर्चना हो चाहे गोष्ठिया हो चाहे वेली हो चाहे व्यवस्था हो जब तक नहीं रुकेगा तब तक हमारी सारी मांगे हमेशा देता है। और बीस अक्टूबर को आपने हमारे बहुत बड़ी सभा के अंदर 11 दिसंबर के लिए आह्वान किया है। सत्य जैन समाज समस्त संत समाज हम मुनि सुधा सागर जी से मिले अनेकों संतों से हमारे आशीर्वाद आए हैं। क्या पूछे जी अनेकों हमारे संत सब विराजमान रहेंगे। हम चाहते हैं कि एक बार इस आंदोलन की शुरुआत हो और वो लगातार हो बार बार हो इस आंदोलन इंतजार से हो। ये केवल एक बार घर बैठने से काम नहीं चलेगा। हम 26 मार्च 6 जून को कर चुके हैं और 6 महीने कर चुके हैं। मैं इन शब्दों के साथ क्योंकि बहुत समय ले गया मैंने मैं माफी चाहता हूँ और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस आंदोलन को जब तक समाप्त न हो राम चले जाए पर हमारा तीर्थ न जाए। Thank you.